हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे FPS सिस्टम के बारे में कि पुरानी मापतोल पद्धतियाँ क्या हैं जिनमें इंच, फुट, गज, चैन, फरलांग, मील, ये सब यूनिट्स आती हैं, तो इनके बारे में आज अच्छे से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा इंच। एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। उसके बाद एक फुट हमारा होता है 12 इंच के बराबर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा गज, जिसे हम यार्ड भी बोलते हैं। तो एक गज मीन्स एक यार्ड हमारा होता है 3 फीट के इक्वल, या 91.44 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है चैन। एक चैन हमारा होता है 22 गज के इक्वल। आप लोगों ने कई बार यह सुना भी होगा कि जो हमारी क्रिकेट की पिच होती है वह 22 गज की होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा एक गज होता है 3 फीट के इक्वल, तो हमारा 22 गज कितना हो गया, 22 × 3 = 66 फीट। मीन्स हमारी जो क्रिकेट की पिच होती है वो 66 फीट के इक्वल होती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा फरलांग। तो जो 10 चैन होती हैं, 10 चैन मिलकर एक फरलांग बनाती हैं, और एक चैन हमारी होती है 22 गज के इक्वल। तो ये हो गया एक फरलांग = इसे हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो गया हमारा 220 गज के इक्वल। मीन्स एक फरलांग हमारा 10 चैन और 220 गज के इक्वल होता है। ओके फ्रेंड, अच्छा, उसके बाद आता है हमारा मील। एक मील हमारा होता है 8 फरलांग के इक्वल, और क्योंकि एक फरलांग हमारा 220 गज के भी इक्वल होता है, तो इसे हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 220 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1760 गज। तो एक मील हमारा 8 फरलांग होता है और 1760 गज होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा एक मील, ये 1760 गज है, 1760 गज को आपको पता है कि एक गज आपका 3 फीट के इक्वल होता है, मीन्स 91.44 सेंटीमीटर इक्वल। तो ये हो गया आपका, अगर आप इसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो इसे आप सिंपली 91.44 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया आपका 160934.4 सेंटीमीटर में। तो ये आपका सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब अगर इसे हम कन्वर्ट करें मीटर में, कन्वर्ट इन मीटर, तो क्योंकि आपको पता है हमारा एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हमारा एक मील हो गया, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 160934.4 डिवाइड बाय 100 = 1609.344 मीटर के इक्वल। तो हमारा एक मील हो गया 1609.344 मीटर के इक्वल। और अगर इसे हम कन्वर्ट करें किलोमीटर में, कन्वर्ट इन किलोमीटर, तो इसे हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि एक किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो ये हो गया एक मील = 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कुछ पुरानी मापतोल पद्धतियाँ जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आप इन्हें आप अच्छे से याद कर लें, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए एज अ गुड सिविल इंजीनियर। ओके फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको बताता हूँ बीघा, एकड़ और हेक्टेयर के बारे में, जिनमें भी अक्सर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो मान लो ये मैं बना लेता हूँ कि ये हमारा एक बीघा है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो हमारा होता है 44 गज, जिसकी लंबाई होती है और 44 गज ही चौड़ाई होती है, मीन्स हमारा एक बीघा
44 गज लंबा और 44 गज चौड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में हमारा 44 गज तो लंबा होता है और 110 गज चौड़ा होता है। मीन्स 144 गज लंबा और 110 गज चौड़ा हमारा एक एकड़ के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक हेक्टेयर की, तो एक हेक्टेयर हमारा 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा होता है। ओके फ्रेंड, कहने मतलब क्या है कि एक बीघा हमारा हो गया 44 × 44 स्क्वायर यार्ड के इक्वल। एक एकड़ हमारा हो गया 44 × 110 स्क्वायर यार्ड के इक्वल। एक हेक्टेयर हमारा हो गया 100 × 100 = 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इस स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक यार्ड होता है 3 फीट के इक्वल और 3 स्क्वायर यार्ड होता है हमारे 9 स्क्वायर फीट के इक्वल। तो सिंपली आप इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका 17424 स्क्वायर फीट। ऐसे ही अगर आपको एकड़ को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया आपका 44 × 110 × 9 = 43560 स्क्वायर फीट। एक एकड़ आपका हो गया 43560 स्क्वायर फीट के इक्वल। और अगर हेक्टेयर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आप याद रखना कि एक स्क्वायर मीटर हमारा 10.76 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। तो इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 10.76 से तो ये आ जाएगा स्क्वायर फीट में और ये आ गया आपका 107600 स्क्वायर फीट। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लूँगा, धन्यवाद।